सो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एओटी चैप्टर 125 को एंड इस चैप्टर का टाइटल है सनसेट। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम रंबलिंग का सीन देखते हैं और हम देखते हैं क्लोसर टाइटन्स के चलने की वजह से सारे घर वर टूट चुके रहते हैं और मिलिट्री पुलिस के सोल्जर्स वहां पर सर्वाइवर्स को ढूंढते हैं और यहां पे हिच भी रहती है और ये सभी सोल्जर्स जो लोग बचे रहते हैं उन लोगों को एक सुरक्षित जगह पे लेके जाते हैं। और फिर हम वहां पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कहते हैं ये जो टाइटन्स हैं ये सीधे आइलैंड के बाहर जा रहे हैं और लगता है ये हम पर अटैक नहीं करेंगे। और वहां पे कुछ बंदे होते हैं जो कि कहते हैं ये सब एरिन की वजह से हो रहा है, अगर एरिन ने वॉल टाइटन्स को अनहार्डेड ना किया होता तो आज मेरे घर वाले जिंदा होते। और वहाँ पे कुछ बंदे कहते हैं ये एक सेक्रीफाइस था हमारे लिए। और हम हिच को देखते हैं और वो कहती है लगता है ये लोग आपस में ही लड़ लेंगे क्योंकि कुछ लोगों को ये चीज़ सही लग रही है और कुछ लोगों को ये चीज़ गलत लग रहा है। उसके बाद हिच अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देती है और कहती है कि जाओ अपने गियर्स लेके आ जाओ। और हिच हेडक्वार्टर में जाकर देखती है जमीन पर कुछ निशान पड़े रहते हैं और उस निशान का पीछा करते हुए जाती है और वो कमरे का दरवाजा खोलती है और हम वहाँ पे एनी को देखते हैं जो कि छिपकर बैठी हुई रहती है। तभी एनी हिच को पकड़ लेती है और अपना अंगूठी उसके गले के पास लगा देती है और कहती है अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की मैं तुम्हारा गला फाड़ दूंगी। तभी हिच एनी को उठाकर पटक देती है और कहती है तुम कितनी कमजोर हो चुकी हो, मुझे तो ऐसा लगा कि कोई बूढ़ी औरत मुझे पीछे से पकड़ी हो। तभी हिच अपने सोल्जर्स को बुलाती है और एनी कहती है कि कोई फायदा नहीं है इसका, मैंने अपने आप को पहले से काट लिया है और अगर तुमने अपने सोल्जर्स को बुलाया तो मैं टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी। और हिच कहता है तुम्हारी कंडीशन देख के लगता नहीं कि तुम टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकती हो। और एनी कहती है ये तो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगी। और एनी कहती है हिच तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो हिच उसे घोड़ों के पास लेके जाती है और वो कहती है जब तुम जाना चाहती हो तो जाओ, अच्छा है अब मुझे तुम्हारा बेसमेंट में जाकर चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। एनी कहती है हाँ अब मुझे लड़कों की शिकायतें भी नहीं तुमसे सुननी पड़ेंगी। और ये सुनकर हिच एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है तुम 4 साल से होश में थी? तो कहती है हाँ मैं तुम्हारी और अरमिन की बातें सुना करती थी और फिर मैंने एरिन की आवाज़ सुनी कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा और फिर मैं अपने क्रिस्टल से बाहर आ गई। उसके बाद हिच उसे हॉर्स पर लेके जाती है और कहती है एनी चारों तरफ देखो तबाही मची हुई है और यहाँ पर काफी लोग मरे हैं। इससे 4 साल पहले तुम और एरिन लड़े थे और काफी लोग मारे गए थे। और हिच पूछती है तुम्हें लोगों को मारकर कैसा लगता था? और एनी बताती है जब हम लोगों को मारते थे तो हमें शाबाशी मिलती थी और वो कहती है मुझे इस दुनिया में किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो अपनी बचपन की स्टोरी बताती है और कहती है जब वो पैदा हुई थी तब उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसकी मॉम एक लेडियन के साथ रिलेशन में थी और एनी को इंटेनमेंट जोन में रखा गया और वो वहीं पे बड़ी हुई और उसको एक एल्डियन ने पाला और एल्डियन चाहता था कि एनी एक वॉरियर बने सो ही कैन बिकम अ मार्लियन। और एनी को काफी ज्यादा मारा करता था और मार्शल आर्ट्स के टिप्स एंड ट्रिक सिखाता रहता था। और एक टाइम है जब एनी पावरफुल हो गई और वो उससे लड़ी और उसका पैर तोड़ दी और फिर वो एक वॉरियर बन गई। और जिस सुबह हमें आइलैंड के लिए निकलना था वो आदमी वापस आया और अपने घुटनों पे बैठकर मुझसे माफी मांगा और वो चाहता था कि मैं उसके साथ रहूं। वो मुझे अपनी बेटी मानने लगा था, वो था मेरा पिता और वहाँ पे मेरे फादर जो कि मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम मालिया का इंटेनमेंट जोन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एनी के फादर को देखते हैं और वो कहता है एरिन पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, टाइटन्स यहाँ पे आ रहे हैं। और तभी मालियन सोल्जर्स कहते हैं कि हम तुम्हारी इस बकवास बात पर विश्वास नहीं करेंगे और कहते हैं चुपचाप नीचे बैठ जाओ। और एनी के फादर को याद आता है कि एनी ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो दोबारा उससे मिलने जरूर आएगी और यही बात याद करके वो मालियन सोल्जर पर अटैक कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिकासा और अरमिन को और अरमिन चाह रहा होता है कोनी को रोकने और मिकासा कहती है तुम कोनी को कैसे रोकोगे, क्या कहोगे उसे, तुम उसकी मॉम को इंसान नहीं बनने दोगे? अरमिन कहता है मुझे उसे चाहे जैसे रोकना पड़ेगा, यही एक तरीका है कार टाइटन और राइनर से हाथ मिलाने का। और फिर वहां से अरमिन जाने लगता है और तभी मिकासा अरमिन से पूछती है कि मैं क्या करूं और अरमिन कहता है तुम जाओ जीन की हेल्प करो। और मिकासा कहती है एरिन के बारे में और अरमिन गुस्से में आकर कहता है मुझे नहीं पता, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर वहां से अरमिन चला जाता है। उसमें हम फ्लॉक को देखते हैं जो कि वॉलंटियर्स का ले रहा होता है अच्छे से और तभी जीन कहता है तुम्हें किंग जैसा एक्ट करने को किसने कहा? तो फ्लॉक कहता है सुनो सभी लोग, एरिन ने मुझे 10 महीने पहले अपना प्लान बताया था कि वो जीक को बिट्री करके फाउंडिंग टाइटन की पावर ले लेगा और फिर मैं एरिन के हेल्प करने के लिए बंदूक को इकट्ठा करने लगा और आज वो प्लान सक्सेसफुल हो गया। और वो कहता है तुम वॉलंटियर्स हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? तभी एक वॉलंटियर चिल्लाता है अपनी बकवास बंद करो और फ्लॉक उसे गोली मार देता है। और तभी वहाँ पे मिकासा आती है और जीन से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ और हम फ्लॉक को देखते हैं जो कि जीन से कह रहा होता है अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम आज़ाद हैं, हम जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं, अब तुम पहले जैसे बन सकते हो जीन। और जीन कहता है सच में ये सब खत्म हो गया? मिकासा फ्लॉक से कैप्टन लिवाय और हांजी के बारे में पूछते हैं तो फ्लॉक बताता है कि उन्हें जीक मार दिया।
उसके बाद हम देखते हैं कोनी को जो कि फाल्को को लेके जा रहा होता अपनी मॉम को डिनर बनाने। उसके बाद हम कैप्टन मगात और पिक को देखते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं और पिक कमांडर मगात से पूछती है कि हम एरन को किसी तरीके से रोक सकते हैं। कमांडर मगात कहते हैं नहीं। उसके बाद हम हांजी को देखते हैं और पिक उसे खाने ही वाली रहती है और हांजी कहती है नहीं नहीं रुक जाओ, खाओ मत मुझे, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, बस वो एक बंदा पीछे है, वो भी लड़ने की हालत में नहीं है। एंड यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है एंड नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आने वाला है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।